बार के साथ जो एक्सरसाइज किए थे लेग्स के, ये बेसिकली अपने एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए अच्छे रहेंगे। उसमें आपके ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स मसल और हैमस्ट्रिंग के लिए जो एक्सप्लोजिव पावर चाहिए अपने को, बेसिकली कबड्डी के लिए, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और आप स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छे से होगी और उसको आपको एक्सप्लोजिव पावर भी मिलेगी। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रिपीटेशन आप करोगे तो एक 5-5, 7-7 रिपीटेशन के हिसाब से जाना है, और जितना पावर और वेट जितना भी डाल दोगे उतना आपको बढ़िया रहेगा। वो वेट भी आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। जो अपने को एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए फ़ायदेमंद होगा, और वैसे भी जो कबड्डी में आप जंप्स करते हैं उस जंप्स के लिए भी आपको एक्सप्लोजिव पावर लगती है। तो इस एक्सप्लोजिव पावर को ट्रेन करने के लिए आप बॉक्स के साथ ये ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो अगर वुडन बॉक्स रहेंगे या टायर्स रहेंगे आप उसके ऊपर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जंप्स में पावर देने के लिए काम आएगी। आपको जंप के साथ स्क्वाट्स करने और स्क्वाट्स के साथ लंजेस करने और फिर लंज से ऊपर फिर से आपको स्क्वाट्स में जाना है। ये पावर सेम आपको ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग और बेसिकली स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाएगी। आप जितने रिपीटेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पहले सेट में आप 3-5 या 6 रिपीटेशन कर सकते हो, और धीरे धीरे आप रिपीटेशन बढ़ाते जाओगे तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने में और पावर बढ़ाने में इसका फायदा होगा। जो भी हम लेग्स के एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपको बेसिकली जो लिगामेंट के इंजरीज रहते हैं उसमें बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जितना आप ट्रेनिंग में मेहनत करोगे आप उतना इंजरी से दूर रहोगे, ये सबसे जब फायदेमंद होगा आपके लिए। जो भी एक्सरसाइज अभी मैंने की है, खिलाड़ी नहीं, आम आदमी भी एक्सरसाइज जो करेगा तो काफ़ी फिट रहेगा। We'll be right back.
आ गया, मैं निकलता हूँ।